दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है रेड पाइंट बरोटो वैली में। सो गाइज़ आज हम एक हिस्टोरिकल प्लेस पे पहुँचे हैं और इस प्लेस के लिए बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधरों ने आजमाइश की थी। कुछ एक लोग इसमें सक्सेस भी हुए और कुछ एक लोग अनसक्सेसफुल भी हुए। तो हम बात कर रहे हैं कांगड़ा फोर्ट की, जिसे हम कांगड़ा किले के नेम से जानते हैं। और अगर हिस्टोरिकल हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन जाएगा। आप गूगल से या बुक्स में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, तो वहाँ पे भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। इस किले के लिए मुगल्स हों या फिर सिख हों, गोरखाज हों, राजपूत हों, हर एक लोगों का एक कंपटीशन रहता था। तो अभी के लिए संसार चंद जी जो राजा थे यहाँ के, वो बहुत फेमस है। आजकल अगर आप बुक्स में भी देखेंगे तो उनका एक हिस्टोरिकल नेम है और बहुत सारे यहाँ पे म्यूज़ियम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप देख रहे हैं रणजीत सिंह द्वार है। तो फर्स्ट एंट्री इस गेट की है। अगर आप एंट्रेंस एरिया में जाएंगे तो अभी के लिए ऑनलाइन टिकट की आपको अवेलेबिलिटी रहेगी, आप फिज़िकली टिकट बाय नहीं कर पाएंगे। आपको स्कैन कोड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और पेमेंट के थ्रू आप आगे एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट गेट है और अभी आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं तो रणजीत सिंह द्वार इसको नेम दिया गया है। तो आइए आगे लेके चलते हैं कि आगे हमें और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो लेट्स कम। अभी अगर आप ये आगे देख रहे होंगे तो बड़ा सा आपको ये ओपन सा एरिया दिखेगा। और अगर हम इस एरिया की बात करें तो इस एरिया में ये चार जो आपको पत्थर के एक बेस सा दिख रहा है, तो ये यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे एक पोल थे पहले के टाइम पे, जैसे जो शेप नीचे बनी है तो ये पोल के टाइप की शेप बनी है। तो होपफुली कि ये आगे ओपन एरिया था और यहाँ पर राजाओं की अपनी सभाएँ चलती थी। आगे की हम बात करें तो आगे का एरिया भी सेम ही दिख रहा है, यहाँ पे भी ऐसे पोल दिख रहे हैं। तो जब डिज़ास्टर होता है, जब अर्थक्वेक आया था, तो वो उस टाइम पे ये लग रहा है कि उस टाइम पे यहाँ पे इस किले को नुकसान हुआ था, इस खासकर इस जगह को। और अगर इसके बैक साइड में हम देखेंगे तो बैक साइड में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत अट्रैक्टिव सी फील होगी आपको। तो दोस्तों अगर जो हमने आगे का पोर्शन दिखाया था, अगर उसके बैक साइड की हम बात करें तो बैक साइड में जो कलाकृतियाँ उस टाइम पे की गई थी, वो अभी भी आप इस प्लेस पे देख रहे हैं। उन्होंने पत्थरों के बीच में कैसी अच्छी नक्काशी की थी, वो आज भी इस जगह पे प्रतीत होती है। लेकिन बीच में कुछ एक दरारें आना स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम आर्ट की बात करें तो वो आर्ट अभी भी इस किले पर आपको देखने को मिलेगा, खासकर पर्टिकुलर इस जगह पर। और ये जो आगे का जो ओपन एरिया था, उसके बैक साइड का ये पोर्शन उन्होंने डिज़ाइन किया था। और जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, ऐसा लगता था कि यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे। तो नक्काशी तो बहुत खूब दिख रही है और रियली अमेजिंग कि उस टाइम पे भी अपने हाथों के द्वारा इन पत्थरों की इस तरह की नक्काशी की जाती थी, जो कि आजकल के टाइम पर भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो बहुत सुंदर सा ये दिख रहा है, बहुत यूनिक सा। और आजकल इस तरह के डिज़ाइन बहुत रेयर देखने को मिलते हैं जो कि उस टाइम पे बनाए गए थे। तो ये प्लेस अभी भी सेफ है, बट इसमें भी कई जगहों पे हमें दरारें दिख रही हैं। तो होपफुली कि हम इसको जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसको अच्छे से मेंटेन करें और इस धरोहर को आने वाले जो हमारी जनरेशन है उन तक लोगों तक पहुँचाया जा सके, सेफ़ रखा जा सके, ताकि वो भी आएँ तो वो भी इन चीज़ों को देख सकें। तो ये हिस्टोरिकल प्लेस था, ये चीज़ें सारी हिस्टोरिकल हैं और गेट्स अभी सेफ हैं। लेकिन और चीज़ें अगर हम देखेंगे तो उस अर्थक्वेक में बहुत नुकसान हुआ था, तो जो एक्चुअल में महल था, उस तरह के महल की शेप में ये किला भी नहीं दिखता है। तो आइए कुछ एक और जगहें दिखाते हैं जो डिज़ास्टर हुआ था 1905 में, जो अर्थक्वेक हुआ था उसमें और क्या नुकसान हुआ था। तो साथ वाली लोकेशन पर हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं।
तो गाइस हम इस फोर्ट के लास्ट जो लास्ट इसका स्पॉट है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। बट अभी के जो हाल देख रहे हैं वो प्रॉपर ऐसे लग रहा है कि जैसे इस पर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई है। बट फिर भी अगर आप कांगड़ा आते हैं तो कांगड़ा से लगभग आपका ये 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे अवेलेबल है, तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं और कुछ एक चीज़ें हिस्टोरिकल हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे दीवारें अभी पहले की शेप में, कुछ एक नीचे जो डिज़ाइनिंग की गई है मूर्तियों की वो आप देख सकते हैं। गेट्स अभी भी वेल मेंटेन है, जो प्रोटेक्शन वॉल है साइड की वो भी मेंटेन है, और ऊपर से आप व्यू देखेंगे तो व्यू अमेजिंग है। नीचे रिवर आपको दिखेगी, साथ में जो नेबर विलेज हैं वो आप देख सकते हैं। सामने NH जा रहा है हाईवे चंडीगढ़ के लिए, और एक मंदिर दिख रहा है, और कांगड़ा के बहुत सुंदर सुंदर से एक गाँव। दूसरी छोर पे देखते हैं कि दूसरे छोर पे हमें क्या दिखता है। बट जिस राजा ने इसे बिल्ड किया था, जो कटोच राजा थे, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने इसको बिल्ड किया था, तो उनकी बहुत एक क्लीन सी स्ट्रेटजी थी कि एक हाइट पे इस तरह का किला बनाया जाए ताकि चारों तरफ से वो अपने किले की प्रोटेक्शन भी कर सकें, और चारों तरफ से कोई अगर ऐसा एनिमी आ रहा है तो उन पे भी नज़र रहे। तो किले का डिज़ाइन बहुत अच्छे से बनाया गया था, ये उस टाइम की बात है जब यहाँ पे किला बनाया गया था। और आगे एक बहुत चुबारा सा आपको दिखेगा, बालकनी टाइप, बहुत अच्छी दिख रही है। अब यहाँ पे जो टेक केयर करते हैं इस फोर्ट की, जो MCD है कांगड़ा की, उनकी तरफ से यहाँ पे पानी के लिए ये बेंचेस बनाए गए हैं ताकि आप इन जगहों पे अगर थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप बैठ के यहाँ पे रिलैक्स फील कर सकते हैं। और व्यू की बात करें तो व्यू बहुत अमेजिंग है, बहुत टॉप पे आपको फील होगा कि आप बहुत टॉप पे हैं, और सराउंडिंग आप चारों तरफ जो विलेज हैं या फिर जो पहाड़ी हैं कांगड़ा की वो आप देख सकते हैं। सामने एक मंदिर दिखता है माता का, वो भी टॉप पे अवेलेबल है, तो माता के दर्शन के लिए अगर आप जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। सराउंडिंग में इस एरिया में आके आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, उस पहाड़ी में क्या हो रहा है, इस तरफ राइट में क्या हो रहा है, लेफ्ट में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप इस पॉइंट से आप व्यू कर सकते हैं। नीचे रिवर भी है, और कुछ एक आपको फॉरेस्ट दिखेंगे नियर बाय, जो यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, ग्रीन से पेड़ हैं, तो बरसात का मौसम है तो ग्रीनरी वैसे भी हमें बहुत अच्छी दिखती है। और कुछ हम सर्च करने की ट्राई करते हैं कि हमें कुछ और यूनिक मिले जो हम आपको दिखा सकें, लेकिन अभी के लिए उतना जो चीज़ एक्चुअल में, जो जैसे जयपुर राजस्थान में जो फोर्ट देखे जाते थे या आपने बहुत सारी वीडियोस में या आपने विज़िट किया होगा, बट उस कंडीशन का यहाँ पे अभी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी हिस्टोरिकल प्लेस है, आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ये चीज़ें दिखा सकते हैं। और अगर हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करें तो बहुत लंबी हिस्ट्री है इस फोर्ट की, जिसको डिस्कशन करने में बहुत टाइम लगेगा, तो कभी दोबारा टाइम लगेगा तो डेफिनेटली हम इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए आगे लेके चलते हैं कि आगे और क्या इंटरेस्टेड चीज़ें हमें मिलती हैं। तो गाइस हम ये आपने अभी माता का मंदिर देखा, उसके राइट साइड में अभी भी ये गुंबद हमें दिख रहे हैं जो उस टाइम पे डिज़ाइन किए गए थे। तो ये दो गुंबद हमें दिखाई दिए हैं। इस तरफ के एरिया में थोड़ा डिज़ास्टर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे मकबरे टाइप थे, लेकिन अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल खंडर सा नज़र आ रहा है। और एक पीछे ऐसे लग रहा है कि कुछ सीटिंग सा प्लेस बनाया गया था इस एरिया में यहाँ पे किसी को बैठने के लिए। और ये गुंबद अभी भी दिख रहे हैं, तो गुंबद के ऊपर की डिज़ाइनिंग अभी भी हम व्यू कर सकते हैं। तो ये अभी के लिए अगर हम उस टाइम को अगर फील करें तो ये देखिए पत्थर का साइज़, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे बिल्ड किए गए थे। लेकिन जो डिज़ास्टर की हम बात करें, उस डिज़ास्टर के बाद ये सारी चीज़ें थोड़ी सी खंडर के रूप में दिख रही हैं, और घास उगा पड़ा है, और प्रोटेक्शन वॉल की कंडीशन थोड़ी सी सही दिख रही है, लेकिन जो बीच में यहाँ पे रुकने के लिए या जो छोटे छोटे मकबरे टाइप थे वो अभी उस कंडीशन पे नहीं दिख रहे हैं। सिंपल दीवारें और दीवारों पे नीचे जो पत्थर गिरे वो दिख रहे हैं। आगे एक हमें कुआं दिख रहा है, तो हम कुआं देखते हैं कि कुएं में क्या चीज़ें हैं या वहाँ पे क्या दिखेगा ऐसा। तो ये सारी चीज़ें 1905 के बाद
जो हम कुएं की बात कर रहे थे, ये कुएं की शेप में बहुत गहरा दिख रहा है, लेकिन नीचे पानी अभी अवेलेबल नहीं है। और नीचे इसको जैसे दीवार को ईंटों से चिनाई की जाती है, उस शेप में इसको बनाया गया था और काफ़ी गहरा ये दिख रहा है, बट अभी नीचे पानी नहीं है। तो ये होपफुली कि उस टाइम पे पानी का एक ज़रिया था कि लोगों तक ये अब महल में पानी मिल सके। और आगे की कंडीशन भी सेम ऐसा ही दिखेगा आपको, जैसा ये आप जैसा आपने पीछे देखा। सामने की जो प्रोटेक्शन वॉल है वो अभी थोड़ी सी सेफ नज़र आ रही है, और जितना भी ये एरिया था उस डिज़ास्टर के बाद ये अभी तक खंडर सा नज़र आ रहा है। लेकिन जो पत्थर आपको देखेंगे, पत्थर में जो नक्काशी की गई है, इन पत्थरों में अभी भी वो विजिबल है, आप देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे आपको ये रूम्स टाइप या इनका वॉशिंग एरिया कह सकते हैं कि ये वॉशिंग एरिया भी हो सकता था, क्योंकि जिस हिसाब से ये जिस शेप में या जिस स्पेस में डिज़ाइन किया गया था, पानी बिल्कुल यहाँ पे नियर बाय है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे इसको वॉशिंग एरिया के रूप में यूज़ किया जा रहा होगा। तो गाइज़ ये था कांगड़ा फोर्ट। होपफुली आज का वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो गाइज़ प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो रेड वाइन बोरवुड वैली के नेम से हमारा YouTube चैनल है, तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर लीजिएगा, ताकि हम इस तरह की लोकेशन आपको और दिखा सकें। तो गाइज़ फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा रेड वाइन बोरवुड वैली के साथ। जय हिमाचल, जय हिंद।